कुंदकुंद स्वामी प्रणीत ग्रंथराज रैणसार, जिसका व्याख्यान निरंतर चल रहा है। आज 112 विकार का में आचार्य भगवान कहेंगे कि वह क्या साधु है जो स्वभाव परिणति को छोड़कर विभाव परिणति को स्वीकार कर लेता है। आचार्य भगवान जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि रे साधु, मन की शुद्धता अशुद्धता ही जीव के उत्थान पतन का एक कारण है। परिणामों की सुदृढ़ शुभ स्थिति आत्मा का उत्थान करती है और परिणामों की अशुद्ध परिणति उसी आत्मा का अवसान कर देती है, पतन कर देती है। आचार्य भगवान कहते हैं, मन में मलिनता किसके है किसके नहीं है इसकी खोज किसी दूसरे को नहीं करनी, अपने मन की मलिनता को आप स्वयं परमार्जित करें, अन्वेषित करें और उसको धोने का प्रयास करें। क्योंकि ये निश्चित है कि अगर मन में मलिनता है और आप कुछ अच्छा करने की भी सोचते हैं फिर भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि दिखाने की प्रतिक्रिया अलग और स्वभाव की प्रतिक्रिया अलग अलग हुआ करती हैं। जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य, जहाँ एक ओर कर्म की उदयागत स्थिति को वहन करने के लिए स्वभाव परिणति का किंचित भी विलोप न हो ऐसा उपदेश देता है, वहीं शुभोपयोग की व्यवहार दृष्टि ये भी कहती है कि हमेशा मान करके चलना। अगर आज कोई साथ तुम्हारा दे रहा है अच्छे और बुरे कार्य में, स्वभाव और विभाव में, तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी ही संगति तुम्हें भव भवांतर तक मिलती ही रहेगी। क्योंकि जो यहाँ पर पेपर दे रहे हैं नंबर उसके आधार पर ही मिला करते हैं। नारकी जीव भावों में अच्छा करने की भी सोचते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत कहते हैं कि परस्पर में एक दूसरे के वात्सल्य में प्रेम को जो प्राप्त ना हो, अनुराग को प्राप्त ना हो, बस उसी का नाम नारकी है। विचार करना, अपन तो मनुष्य पर्याय में विराजमान हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं ये बात कि जो परस्पर में प्रेम भाव का जागरण ही ना कर पाए, परस्पर में एक दूसरे से वात्सल्य की रीति नीति का व्यवहार ही न कर पाए, जो अनुराग को प्राप्त न हो, वही तो नारकी है, उसी का नाम नारकी है। उन्होंने कहा कि भो ज्ञानी, आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में बैठ करके भी यदि हमारे परिणामों की निर्मलता नहीं हो पाई, हमारे व्यवहार की सुष्टता ना हो पाई, तो पंचम काल में इससे ज़्यादा साधन मिलने वाले हैं भी नहीं। साक्षात गुरु बैठे हों तब भी अपने परिणामों में मलिनता रहे, आचार्य भगवंत इसी मलिनता के लिए साधु को क्या कह दिया जो अपने कहने में आ भी नहीं सकता। क्योंकि आचार्य भगवान है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनको अधिकार है। लेकिन हे भव्यात्माओं, ये निश्चित बात है कि
ये मान करके चलें पंचम काल में अपने कर्मोदय के स्थिति में जो भी मिल रहा है बहुत मिल रहा है, जो भी दे रहा है बहुत दे रहा है, और जिसका ये आत्मा भोग कर पा रहा है वो भी बहुत अच्छा कर पा रहा है। जब तक हम ये मन में नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से साधन को छोड़ देंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि प्रभु से प्रार्थना ये मत करो कि किसी का नाश हो, प्रभु से प्रार्थना ये मत करो कि मैं ऊंचा उठ जाऊं, प्रभु से प्रार्थना ये मत करो कि मेरा परिवार सुखी रहे, प्रभु से प्रार्थना ये भी मत करो कि मेरा संग अच्छा रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी है तो बस इतनी प्रार्थना करो कि इस पुण्य योग से जो शरीर मिला है, जो वचन मिले हैं, जो इंद्रियां मिली हैं, मैं इनका कभी दुरुपयोग न कर सकूं। इंद्रियों का दुरुपयोग किंचित नहीं होगा तो निश्चित मान करके चलना बंजर वसुधा भी कभी उपजाऊ बन जाएगी, और जब उपजाऊ बनेगी तो ये काम अब अपना है, किसी दूसरे का नहीं है, गुरु का भी नहीं है। कि गुरु तो वो किसान था जिसने हमें सम्यक दर्शन के बीजों को प्रदान किया है। अब उन बीजों में यदि मैंने समय रहते हुए उनको संभाल के न रख पाया और यदि उसमें कोई घुन लग गया, घुना हुआ बीज कभी फसलें नहीं दे सकता, बालें नहीं दे सकता। उन बीजों के अंदर जिसने गुरु ने हमें बचपन से आज तक अपने सदुपयोग से, अपने अध्ययन काल में, अपनी रीति नीति से जो भी सम्यक दर्शन के बीज रूप, ज्ञान के बीज रूप हमें जो दाने दिए, उन दानों को यदि मैं अपने महत्वाकांक्षा के घुन लगने की चिंता न कर पाया, मैं अपने न्याय अन्याय के भेदों को न समझ पाया और मैंने उसमें इस तरह के दंभ के गुण लगा दिए, तो गलती गुरु की नहीं है। ध्यान रखना, ये अपनी जिम्मेदारी है कि उर्वरा भूमि में अपने को अब चारा बोना है या चंदन बोना है, ये जिम्मेदारी अपनी है। चारा बोओगे तो चारा ही आएगा, चंदन बोओगे तो चंदन जो दूसरों को भी सुवासित कर देता है और खुद को भी सुगंधमय रखता है। ध्यान रखना, जो मिलोगे, जो बोओगे, आपको वो मिलेगा। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बोया कुछ हो, मिला कुछ हो, खाया कुछ हो, मीठा खाया हो और मिर्ची की जीभ जली हो, शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर आचार्य कुंद भगवंत जिस गाथा को कहने चल रहे हैं उनका केवल उद्देश्य यही है कि हे भव्यात्मन, आपने जो मन बनाया है अपने इस आत्मा के पुनरुत्थान का मतलब हमने अनंत भवों को गुजार दिया, कभी नारकी बन करके, कभी त्रियंच बन करके, कभी देव बन करके, आज जब मनुष्य बन करके बैठे हैं, कौन सी ऐसी पर्याय है जो हमारी इस आत्मा ने धारण न की हो। ये आत्मा नींबू भी बनी है तो छिपकली भी बनी है, ये आत्मा बिल्ली भी बनी है तो कभी वेश्या भी बनी है, ये आत्मा कभी मत्स्य बनी है तो कभी मेढक भी बनी है। आज हमारे एक अनंत अनंत संततियों का एक ऐसा पुण्य उदय आया कि मनुष्य पर्याय में जैन कुल को प्राप्त करके मैंने आर्यों की संगति, माँ जिनवाणी के सतत रसास्वादन का एक ऐसा स्थान प्राप्त किया है। उस स्थान पर भी यदि हम गिर गए, तो उठेंगे कब। आचार्य भगवंत कहते हैं सबको नीचे गिरना है, सबको ऊंचा उठना है। अब किसको गिरना है,
किसको उठना है ये उसके स्वभाव की परिणति जैसी होगी उसका कार्य वैसा होगा। इसलिए उन्होंने कहा है भवनों को मत उठाओ, अपने बैठने की स्थानों को मत ऊंचा करो। अगर ऊंचाइयां देनी है, अगर शुद्धिकरण करना है, उठाना है, तो सिर्फ अपने परिणामों को उठाओ, अपने भावों को उठाओ। अपने भावों को शुद्ध कर लोगे तो सच मानना आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। याद है ना, खुद के भाई एक आंगन में एक माता पिता ने जन्म दिया, फिर छह भाई एक साथ, एक भाई एक साथ, छह भाई ने मिलकर के एक भाई को जान से मारने की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कोशिशें की, लेकिन क्या मार पाया? दंभ और स्वार्थ। आदमी जितना स्वार्थी होता है उसका साथ प्रकृति भी नहीं देती है। आपने अध्ययन काल में पढ़ा होगा, आपने उन बुक्स के अंदर सूक्तियां जब लिखी हुई आती थीं उसमें लिखा था तुम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ो, जो तुम्हारे साथ नहीं है पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठता, सच्चा समर्पण और विश्वास जहाँ होता है वहाँ पर अपना पुण्य नाना जीवों का सहयोग प्रदान करा देता है। महान भावो, आचार्य भगवान कहते हैं वह साधु क्या कोहेण या कलेहेण या जायण सीलेण संकिले सेण रुद्धेण या रोसेण या भुंजद किम बिंतरो भिक्खु रुद्धेण या रोसेण या भुंजद किम बिंतरो भिक्खु। हे साधु आत्मा, हे सज्जन आत्मा, ध्यान रखना जो साधु कोहेण या क्रोध से, कलहेण या कलह से, जायण शीलेण याचना करके, संकलेशेण संकलेश से, रुद्रेण रौद्र परिणामों से, रोषेण या रुष्ट हो करके, भुंजदि आहार को ग्रहण करता है वह किम भिक्खु, क्या भिक्षु साधु हो सकता है? क्या कहा है? जो साधु कोहेण या क्रोध से, कलहेण या कलह से, जायण सीलेण याचना करके, संकलेशेण संकलेश से, रुद्रेण रौद्र परिणामों से, तथा रोषेण या रुष्ट हो करके, रोष दिखा करके, भुंजदि आहार ग्रहण करता है वह किम भिक्खु, क्या भिक्षु साधु हो सकता है? वह तो बिंतरो व्यंतर होता है। आचार्य भगवंत ने कहा है कि हे भव्यात्मन, तुमने जो बाना पहना है उसे देवी तरसते हैं, वो तो मनुष्य के लिए ही तरसते हैं, और फिर आपका ये दिगंबर दीक्षा का ग्रहण करना कितना पुण्य का योग है। भौतिकता की चकाचौंध में जहाँ आँखें भोगों से खुल नहीं पाती हैं वहाँ आपने योगों को धारण कर लिया। घर की चार दीवारी को छोड़ नहीं पाता है, आपने अपने संपूर्ण वैभव परिजन पुरजनों को छोड़ दिया, सारे रिश्ते नातों को तोड़ लिया। अब यहाँ आने के बाद दिन रात जो हमने अपने परिणामों के माध्यम से अंतर्दृष्टि होना चाहा था, घर छोड़ा था इसीलिए कि मैं भी अंतर्मुखी होकर के कमल की भांति जीऊँगा। कमल ऊर्ध्वमुखी होता है, जल में पैदा होता है लेकिन जल में कीचड़ में
मरने के लिए पैदा नहीं होता, जीने के लिए पैदा नहीं होता। कीचड़ में पैदा होना उसका धर्म है, लेकिन जल में मरना उसका धर्म, कीचड़ में मरना उसका धर्म नहीं होता। हे साधु आत्मा, आपका धर्म, जीव का धर्म ही ऐसा है, जब गर्भ धारण करेगा तब उसका जन्म होगा। ये तेरे परिणामों से गर्भ की स्थिति मनुष्य पर्याय जब जब होगी, और मोक्ष जब जाना होगा तो इस मनुष्य पर्याय से ही होगा। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी यहाँ पर है कि जन्म कीचड़ में हो लेकिन मरण कीचड़ में ना हो, जन्म रोते रोते हो लेकिन मरण रोते रोते ना हो, जन्म हाय हाय करके हो लेकिन मरण हाय हाय करते हुए ना हो। अगर मरण भी ऐसा होता है, उस पर हम श्रावक और साधु बनने के बाद, श्रावकत्व के लिए सब कुछ तो दे दिया आचार्य भगवान ने, और साधु को तो सब कुछ चल करके बता दिया। अब बाकी बचा क्या? अंतर्दृष्टि को भूलकर बीत रहा, ताकि वो जो बड़े, उन अंतर्दृष्टियों का मतलब है अहम दृष्टियों को तोड़ो। जब अहम दृष्टियों को तोड़ दोगे तो आप वितराग दृष्टि पर पहुंच जाओगे। अभी हमारा अहम टूट नहीं पाया, अभी हमारा बहम टूट नहीं पाया। यही कारण है कि अरहम की जगह हम भ्रम में जी रहे हैं। और याद है ना आपको, ये भ्रम जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई वैद्य, कोई मित्र, कोई परिवारजन, कोई रिश्तेदार, कोई भक्त, कोई साहूकार आपको इस भ्रम से निकाल नहीं सकता। भ्रम से निकलने का एक ही उपाय है, उस परमात्मा से कृपा को स्वीकार करो कि उस परमात्मा ने मुझे जो दिया है, जितना दिया है, वो बहुत दिया है, बहुत अच्छा दिया है। जब तक हम इसमें संतुष्टि नहीं करेंगे तो विषयों की लोलुपता मेरे परिणामों में बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ विषयों की लोलुपता बढ़ती है, पांचों इंद्रियों की विषय वासना स्वयमेव बढ़ने लगती है। इसलिए भूप्रज्ञात्मन परिणामों की संभाल क्यों नहीं करता, कर ले। प्रतिदिन के परिणामों की संभाल कर ऐसा मत सोच, ये केवल प्रवचन है। अगर एक शब्द से भी परिणामों की संभाल निस्वार्थ बिना दिखावे की शुरू कर दी तो ध्यान रख लेना, फिर तुम आचार्य भगवान को ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो किम भिक्खु, कैसा भिक्षु है।